Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 18, Text Number 3. इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए कृपा की आवश्यकता है, तो हृदय की संपूर्ण मलिनता और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके पूरी श्रद्धा, भाव और समर्पण के साथ मंगलाचरण करेंगे, ताकि जो हम अध्ययन करने वाले हैं, उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ वितन्तं सशिवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचनं गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासुदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता माते की जय हो। भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 20 में आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा की क्वालिटीज बताते हैं। चार क्वालिटीज बताई, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण। अजो का मतलब होता है अजन्मा, नित्य का मतलब होता है जो कंटिन्यू शुरू से है, मतलब इसका कोई स्टार्ट नहीं है। शाश्वतो मतलब इटरनल है और पुरातन मतलब बहुत पुरानी है। ये नित्य है, शाश्वत है, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होगी और इसका कोई स्टार्ट भी नहीं है और बहुत पुरानी है और ये अजन्मा है, ये कभी जन्म भी नहीं लेती। और
ये आत्मा जो है, अब जैसा इसकी क्वालिटीज है, उसके रहने की जगह भी ऐसी होनी चाहिए, नित्य होनी चाहिए, शाश्वत होनी चाहिए और खत्म ना होने वाली होनी चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण 9.33 में बताते हैं, अनित्यम असुखम लोकम, यह जो संसार है उसकी क्वालिटीज बताई कि ये जो लोक है वो अनित्य है और असुख है। यानी कि असुख का मतलब ये कि उसमें कोई नित्य सुख मिलने वाला नहीं आपको, कुछ आनंद। अब आत्मा क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है तो उसको आनंदमय जगह में रहना चाहिए, वो नित्य है तो उसको नित्य जगह में रहना चाहिए। लेकिन इस संसार की क्वालिटीज और आत्मा की क्वालिटीज में पूरा अपोजिट है एकदम। वो अनित्य है जो लोक है, वो अनित्य है असुख है, और आत्मा नित्य है, शाश्वत है और आनंदमय है। तो इन दोनों का कोई मेल नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य है तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने की जगह नहीं। भले मनुष्य का मतलब ये श्री प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि ये आत्मा के रहने की जगह नहीं है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। अभी ऐसा नहीं है कि अनित्य का मतलब होता है ये नित्य नहीं है, ये ना खत्म हो जाएगा, लेकिन मिथ्या नहीं है। कुछ लोग जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि संसार मिथ्या, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते मिथ्या नहीं है, संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा संसार है जो नित्य है। अनित्य है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मिथ्या संसार नहीं है ये नित्य नहीं है लेकिन है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी आगे हमें बताते है कि एक दूसरा संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है किंतु दूसरा संसार नित्य है तथा आनंदमय है। अब क्योंकि आत्मा जो है वो नित्य है और आनंदमय है, तो डेफिनेटली उसको रहने की जो जगह है ना वो भी ऐसी उसके लिए सुइटेबल होगी जहाँ पर नित्यता होगी और आनंद होगा। तो यह संसार के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ बताया, अनित्यम असुखम लोकम। फिर यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि हम आत्मा है, यह संसार हमारे रहने की जगह नहीं है, हमारी आत्मा के लिए नित्य और आनंदमय जगह की आवश्यकता है, तो भगवान ने क्यों भेजा यहाँ पर? तो भगवान कहते हैं आगे, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम। तुम्हें देश दिया गया, तुम्हारे किसी कर्मों के अनुसार आपको यहाँ पर देश दिया गया। अब यहाँ पर रहने का नहीं सोचो, ये भी नहीं सोचो कि इस संसार में रहकर मैं कैसे सुखी हो जाऊँ। यहाँ पर सुख मैंने रखा नहीं है, ये जो संसार है ना वो जेल की तरह है। जैसे जेल में आपको पनिशमेंट के लिए भेजा जाता है ना, सिर्फ वहाँ पर भेजने का एक ही उद्देश्य होता है कि वहाँ पर इसको पनिशमेंट मिलेगी, फिर गुड बॉय बन जाएगा, अच्छा बच्चा बन जाएगा, फिर इसको वापस वहाँ से रिहा कर दिया जाएगा और अपने असली घर में भेज दिया जाएगा। उसी वजह से हमें भी यहाँ पर भेज दिया गया, हमसे कुछ अपराध घटित हो गए जिसकी वजह से हमने अपने स्वामी के साथ विरोध किया और विरोध के परिणाम स्वरूप हमें इस जेल में भेज दिया गया है और दुखों भरी जेल। और भगवान कहते हैं इमं प्राप्य भजस्वम, यहाँ पर आकर तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमको यहाँ पर भेज दिया गया है, वो नित्य और आनंदमय जगह से निकाल दिया गया। अब तुम यहाँ पर आके क्या करो, मेरा भजन करोगे तो फिर तुम्हें वापस अपनी इटरनल जो जगह है, जो नित्य है, जो आनंदमय है, वहाँ पर ले लिया जाएगा, वापस वहाँ पर आपको बुला लिया जाएगा, आपका जो वास्तविक स्वरूप है वहाँ आपको दे दिया जाएगा। और मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूप व्यवस्थिता, आपको ऐसी मुक्ति दे दी जाएगी कि आप अपने इटरनल स्वरूप में वापस स्थित हो जाओगे। तभी हम देखते हैं, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि ये संसार दुखों का घर है, अनित्यम असुखम, भगवान ने अपोजिट वर्ड यूज किया है, असुख सुख और असुख, यानी कि कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख है। हम देखते हैं संसार में सभी दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं और दुख रूपी समुद्र में गोते खा रहे हैं। विचार कीजिए भक्तों, आप समुद्र में डूब रहे हो,
महासागर में फंसे हुए हो, ऐसे महासागर में, वैसे तो सागर में पानी ही पानी होता है, लेकिन यह समुद्र जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको यह लोक, मृत्यु लोक कहा जाता है, उस समुद्र में केवल दुख ही दुख है। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, हम ये सोचते हैं, जो मनुष्य यहाँ पर जीव जो रहता है वो सोचता है पूरी जिंदगी कि ये करने से सुखी हो जाऊंगा, धन प्राप्त करने से सुखी हो जाऊंगा, ये लड़की प्राप्त करने के बाद सुखी हो जाऊंगा, पुत्र प्राप्त करने के बाद सुखी हो जाऊंगा, या घर गाड़ी बंगलो ये प्राप्त हो जाए तो सुखी हो जाऊं, लेकिन उसका जीवन सारा दुखमय है, क्योंकि भगवान ने सुख रखा नहीं है ना। भगवान ने बनाया संसार को और बोल दिया कि इस संसार की डेफिनेशन बताओ। भगवान कहते हैं 9.33 में, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ही कार्य करना है, मेरा भजन करना है, ठीक। परंतु डूबते डूबते आपके हाथ से नौका लग जाए तब क्या होगा? ऐसा समुद्र है जहाँ पर दुख ही दुख है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो नौका है वो भी अलग टाइप की होगी, क्योंकि पानी का तो समुद्र है नहीं, दुखों का है। अब इसी प्रकार हम लोग इस संसार रूपी सागर में, दुख रूपी सागर में डूब रहे हैं, डूबते 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 मनुष्य जीवन रूपी नाव हमें प्राप्त हो गई। ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये एक कन्वेंस की तरह, एक नाव की तरह है। केवल इसी में ये संभव है कि आप इस समुद्र को पार कर सकते हो, क्योंकि केवल यह मनुष्य जीवन है जिसमें आप शास्त्र का अध्ययन कर सकते हो। आप दूसरी जो जितनी भी यहाँ पर योनियां आपको नजर आई हैं, चाहे जल में रहने वाली हो, थल में हो, पशु हो, पक्षी हो, वो कभी शास्त्र अध्ययन नहीं करती। शास्त्र अध्ययन करने का अधिकार केवल मनुष्य को है, इसीलिए शास्त्र कहता है संसार सागर गुई तत इच्छामि यो नर। संसार जो सागर है, दुखों भरा सागर है, वहाँ पर जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है, फिर वो मनुष्य जीवन क्या करना चाहिए उसको, वही केवल कर सकता है गीता नाव समा रही है। वो गीता रूपी नाव में बैठ जाए, अब उसको ये जीवन मिल गया है, इस जीवन के अंदर ही पॉसिबल है कि वो गीता रूपी नाव में बैठ जाए, पारम भवती सुखे नजर, और ये दुखों भरा संसार जो है वो आराम से सुख से प्राप्त कर लेगा, पार कर लेगा, अगर वो गीता के गीता रूपी नाव में सवार हो जाएगा। इस गीता रूपी ग्रंथ को नाव बनाकर इस पर सवार हो जाए तो वो निश्चित रूप से सुखी होकर संसार सागर को पार कर लेगा। इस दुख रूपी संसार में भगवत गीता जो है वो नौका के समान है। ये शरीर हमें मिला है और इस शरीर के जरिए ही हम उस नौका को चला सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। भक्तों, इस संसार में भटकते भटकते हमें बड़ी मुश्किल से यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी नाव मिली है, और हमारा कर्तव्य है कि अब इस नाव में सवार होकर हम इस दुखों भरे संसार सागर को पार कर लें और अपने इटर्नल, नित्य और शाश्वत सुखमय, आनंदमय जगत को प्राप्त कर लें। चैप्टर नंबर 17 के स्टार्ट में 17.1 में अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न किया, यह शास्त्र विधि मुत्सज्य यजन पे श्रद्धायामिता तेषा निष्ठा तो का कृष्णम सत्वम आहो रजस्तम। जो शास्त्र की विधि विधानों को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन बहुत ही श्रद्धा के साथ मतलब पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी है, उनकी निष्ठा कैसी है, सत्वम आहो रजस्तम, सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी। इसके आंसर में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो भी निष्ठा होती है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 17.7 में बताया भगवान ने, आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ तपः तथा दानम् तेषां वेदमिमं शृणु। कि आहार, यज्ञ और तपस्या तीन प्रकार की होती है, उनके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण ने आहार, यज्ञ और तपस्या के विषय में डिटेल से बताया कि वो कौन कौन से होते हैं, जो सात्विक होते हैं, राजसी होते हैं और तामसी।
आहार यज्ञ और तपस्या यह कार्य करने के होते हैं, ठीक है, दान यज्ञ दान तपस्या करने के होते हैं। अब अर्जुन के मन में यह संशय आ गया था, ठीक है, यज्ञ दान तपस्या तो करने के लिए भगवान ने बता दिया, लेकिन त्याग के विषय में तो बताया नहीं। संन्यास जब करेंगे तब तो ये सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, सारी चीजों को छोड़ दे या कुछ नहीं छोड़े। तो इस चैप्टर में 18 में इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए अर्जुन ने पूछा, संन्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि रेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केश निषूदन। अर्जुन ने कहा, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और हे केश निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। त्याग और संन्यास, त्याग में जीवन मतलब संन्यास आश्रम। अब क्योंकि भगवान ने बाकी सब बता दिया, अभी सिर्फ त्याग रह गया है, संन्यास रह गया, उसके विषय में अर्जुन जानना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों पर के परित्याग करने को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। भगवान ने बताया कि वास्तव में क्या है, भौतिक इच्छाओं को त्यागना ही संन्यास है। अगर कोई भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है तो वो संन्यास है, और अगर सारे फलों को कर्म करते रहो और फलों को त्याग देते हैं तो वो त्याग कहलाता है। आज भगवान श्री कृष्ण 18.3 में इसी के विषय में आगे बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, त्याजम दोषमरीचिके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे। त्याजम दोषवदित्येके, दोषवत मतलब दोष के समान, त्याज मतलब त्याजन का मतलब होता है त्याजनीय, दोषवत यानी कि दोष के समान, इति इस प्रकार एके एक समूह के कर्म यानी के कर्म कहते हैं। प्राहु मतलब कहते हैं और मनीषणाम मतलब महान चिंतक, यानी कुछ महान चिंतक ऐसा कहते हैं कि त्याजम दोषवदित्य के कर्म, जितने भी कर्म हैं, सारे समस्त प्रकार के कर्म हैं, वो ये सोचकर कि ये सारी आपको दोष पूर्ण है, सारी आपका पतन करेंगे, कर्मों को त्याग कर दो। कुछ लोग इसे कहते हैं, जैसे भगवान कहते हैं ना, त्याजम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिण, यानी कुछ मनीषिण कुछ महान चिंतक जो होते हैं वो कहते हैं सारे कर्मों को आप दोष पूर्ण समझ के त्याग दो। लेकिन आगे कहते हैं, यज्ञ दान तपह कर्म, यज्ञ मतलब यज्ञ करना, दान मतलब किसी को दान देना, तपह मतलब तपस्या करना, न त्याजम नहीं त्यागना चाहिए, इति चा परे, अपरे मतलब दूसरे। अभी कुछ लोग तो ये कुछ महान चिंतक तो ये कहते हैं कि सारे कर्मों को छोड़ दो, लेकिन दूसरे क्या बोलते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या को नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आ गया, यानी कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सत्काम कर्मों को दोष पूर्ण समझ कर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 17 में यज्ञ दान और तपस्या के विषय में तो बता दिया ना सारा, कि यज्ञ कौन सा सात्विक होता है, कौन सा तामसिक होता है, राजसिक होता है, दान और तपस्या के विषय में। लेकिन यहाँ पर भगवान त्याग के विषय में बता रहे, संन्यास के विषय में बता रहे, लेकिन अभी तक भगवान ने अपना निश्चय नहीं बताया है। अभी भी भगवान ये कह रहे हैं, यहाँ पर देखो प्राहुर मनीषिणा कहा गया है ना, प्राहुर मतलब कहते हैं, मनीषिणा मतलब महान चिंतक,
जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत से विद्वान हैं, उनके विषय में भगवान कहते हैं कि वो कहते हैं कि सारे सकाम कर्मों को दोष वाला समझकर या अपराध युक्त समझकर त्याग कर देना चाहिए, लेकिन कुछ दूसरे चापरे यानी कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या नहीं छोड़नी चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक सहायता में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है, यानी कि वेदों में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जो भी पढ़ते हैं तो उसकी उसको समझ में कुछ और आता है, मतभेद है यानी कि सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको समझते हैं। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, यानी कि वेदों में लिखा हुआ है कि आप जब यज्ञ करते हो तो पशु हिंसा, वास्तव में ये पशु मारना पशु हिंसा नहीं है। यज्ञ में जो पशु का वध होता है या पशु को मारा जाता है उसी से उस पशु का कल्याण होने वाला है। पता है क्या होता है कि वरना तो जब हम पशु हत्या होती है ना या पशु जब मरता है तो उसको सीरीज में बहुत सारे जैसे जल जाना वाला क्षणी स्थावर लक्ष्य विषंति कृमियाणु इस तरह सारे सीरीज में सारे जन्म करते 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 84 लाख योनियां पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाके उसको मनुष्य देह मिलता है। लेकिन जो यज्ञ में मतलब उसके बाकी के सारे अपराध क्षय हो जाते हैं, फिर यज्ञ में जब उसका वध किया जाता है तो ब्राह्मण चूंकि वैदिक मंत्रों के जरिए उसको उसको यज्ञ में बलि देते हैं तो फिर क्या होता है डायरेक्ट से उसको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है डायरेक्ट से। या तो कुछ कभी ऐसा होता है कि उसको योनि प्राप्त होती नहीं है, वो डायरेक्ट से भगवान के मतलब भगवान के धाम में किसी वैकुंठ लोक में चला जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यज्ञ में जो पशु बलि हत्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस पशु के कल्याण के लिए होती है। आगे श्री गोपाल जी बोलते हैं फिर भी कुछ का मत है, कुछ का मत मतलब कुछ विद्वान लोग जो वेद अध्ययन करते हैं उनका मत है, मतलब वो ये तो बताते हैं उनका ये ओपिनियन है कि पशु हत्या पूर्णतया निषेध है, कि पशुओं को मारना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए भले यज्ञ में। हालांकि आगे सब बाबा जी बोलते हैं यज्ञ भी वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, वेदों में साफ लिखा हुआ है कि आप पशु को है ना यज्ञ में सैक्रिफाई कर सकते हो, और यहाँ पर उसकी संस्तुति की गई है, मतलब उसको उसको कहा गया है कि आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता है, ऐसा नहीं कहते कि पशु मर गया है। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है, नवीन जीवन मतलब डायरेक्ट। अब देखो या तो क्या होगा कि वो ऐसे दूसरे जन्म लेगा लेकिन उसको नया जन्म ऐसा मिलेगा क्योंकि उसकी बलि हुई है ना यज्ञ में, तो उसके प्रभाव से उसको ऐसा जन्म मिलेगा जिसमें कि वो जल्दी से उन्नति करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा। अब इसीलिए श्री रूपा जी बोलते हैं यह बलि पशु के लिए नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। यानी कि अब ये कैसे होता है कभी कभी, मतलब ये डाउटफुल बात क्यों बोली, वो इसलिए कि यज्ञ किस नौयत का है, जो यज्ञ किया जा रहा है वो कृष्ण को खुश करने के लिए किया जा रहा है। अब यज्ञ दान और तपस्या जो हमने पहले पढ़े, यज्ञ भी कुछ सात्विक होते हैं, कुछ राजसिक होते हैं, कुछ तामसिक होते हैं, पढ़े थे ना हमने, तो उसी हिसाब से जो यज्ञ में बलि दी जा रही है, जैसे हम कोई भी चीज जब प्रसाद अर्पण करते हैं तो हमारे भाव पर डिपेंड करता है, उसी प्रकार बलि जो है दी जा रही है पशु वध जो किया जा रहा है वो भी वैदिक जो ब्राह्मण है वो कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, और जो यजमान है जो ये यज्ञ करवा रहे हैं उनके हृदय में क्या भावना, सब पर डिपेंड होता है। तो फिर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसको जानवर का जन्म दूसरा मिलता है फटाफट मिल जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसको बाकी जानवरों की योनियों को पूरा करना नहीं पड़ता, उसको डायरेक्ट से मनुष्य जीवन मिल जाता है। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद है, जो जानते हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है मनुष्य मतलब जो महान चिंतक है जो ज्ञानी है उनमें मतभेद है, उनका
अलग अलग ओपिनियन है इस बारे में। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ के लिए पशु यह शुभ है, कुछ खास यज्ञों में ये किया जाना चाहिए, कुछ बोलते करना ही नहीं चाहिए जब हमारा धर्म जो है वो हिंसा को नहीं मतलब करता है, हिंसा नहीं करना चाहता है, हमें अहिंसा करनी चाहिए, किसी का वध नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट तो पहुंच ही रहा है ना, तो फिर हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते दूसरे कहते कि इससे तो उसको और भी फायदा मिलने वाला है, उसको वापस से जन्म मिलेगा मनुष्य का और जल्दी से उन्नति होगी उसकी। तो इन सबका अलग अलग राय है और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ के लिए शुभ है। अब यज्ञ कारण विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं करेंगे। शिवप्पा जी बोले ये तो दूसरों की बातें की गई अभी तक कि विद्वान लोग क्या कहते हैं और बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, महान चिंतक क्या कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहना शुरू करेंगे और भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कल चैप्टर नंबर 18 टेक्स्ट नंबर 4 में कि आप मेरी राय सुनो। तो हम सब भगवान के विषय में कल सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।